ये तड़का लगाने के लिए मैंने इसमें तेल डाल दिया है देखो चम्मच में। अब ये जैसी होएगा इसमें थोड़ा सा मिर्च डाल दूंगी और जो इसमें रेड रेड का कलर आ जाएगा, और इसमें अभी और जीरा और मेथी और डालनी है। बाबू नमक मत डालो, अब मैंने डाल दिया पहले। देखो ये अभी इसका कलर देखो कितना अच्छा था जमा दास। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चंपा नेगी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। देखो मैं आज बना रही हूँ पालक की खड़ी। ये पालक लाई हुई हूँ, अब ये तेल रख दिया मैंने, लहसुन प्याज काट दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी और पहले इसको भून लूंगी उसमें। इसको गलने तक मैं इसका वो बना लूंगी, क्या घोल बना लूंगी बेसन का, और इतनी टेस्टी ज़बरदस्त आना है जिसको खाना है। जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी। और जल्दी जल्दी आ जाओ, इतनी टेस्टी बनेगी, इतनी ज़बरदस्त बनेगी, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको बोल लेती हूँ, मैं ही कैमरामैन हूँ, मैं ही कैमरामैन भी हूँ, शूटिंग भी मैं ही कर रही हूँ, बना भी मैं ही रही हूँ, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ। अब आप लोगों को कैसे दिखाऊँ ऐसी समझ लेना, ठीक है? ठीक है, ऐसी समझ लेना। और बैंगर ये घुट चुका है दोस्तों, देखो ये, और मेरा घोल तैयार है। ये घोल बना चुकी हूँ और ये घुट चुका है। अब इसमें मैं इसको डाल दूँगी और थोड़ी देर पकने दूँगी मंदी आँच में, मंदी आँच में पकने दूँगी। अगर पक जाएगा उसके बाद इसमें मैं तड़का लगा दूँगी, इतना ज़बरदस्त लगेगा देखो। हाँ 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 कैसे खुशबू आ रही है, हींग डाल रखा है, हींग की खुशबू अलग ही आ रही है, मस्त। मैं बिना हींग की सब्जी ना, अब सब्जी हो या दाल हो कुछ हो, हींग डालती हूँ, बिना हींग के अब अच्छा नहीं लगता मेरे को। हींग वैसे भी अच्छा ही होता है तो हींग जरूर डालती हूँ। ये घुट चुका है, ये मैंने इसमें घोल डाल दिया है, ये हो गया मेरा पालक खड़ी। यार जबरदस्त पालक मैंने ज़्यादा डाला है, जो गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, क्योंकि रोटी के साथ गाढ़ी गाढ़ी सब्जी दाल कुछ भी गाढ़ी गाढ़ी थोड़ा अच्छी लगती है, तो मैंने ये गाढ़ी गाढ़ी बना दी है। छाछ बची हुई है थोड़ा, कैसा लग रहा है? ये देखो कैसे, ये दिख रही ना अच्छी। अब देखो मेरा हाल कमरे का काई हो रहा है, ये एक कमरा हाल बेहाल। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अब इसको थोड़ा और पकने देती हूँ, थोड़ा गाढ़ी ज़्यादा गाढ़ी है, इसमें थोड़ा पानी मिक्स करती हूँ और फिर तब तड़का लगाऊँ। देखो तड़का लगाने के बाद कैसे दिखता है खड़ी और पालक, देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने पहले खड़ी ये पालक को काट के इसमें पहले घोट लिया, घोटने के बाद फिर इसमें ये बेसन और छाछ का घोल बनाया हुआ था इसमें, जो इसमें डाल दिया। अब देखो कैसा कलर आ रहा है। अब इसमें मैं तड़का लगाऊंगी थोड़ी देर इसको पकने के बाद, फिर इसमें धीमी आंच में फिर से पकने दूंगी और इसमें फिर तड़का लगाऊंगी, ज़बरदस्त बनेगा। देखो दोस्तों मेरा इसका पूरा ब्लॉग, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैमरा मैन भी मैं हूँ इसलिए। देखो दोस्तों कलर ये अलग आ चुका है, एकदम फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त। आ जाओ जी, जिसको खाना है जल्दी जल्दी, मैं बना के तैयार हो चुकी हूँ। मैं रोटी बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम से बुखार हो रहा है, तो इसीलिए रोटी बनाऊंगी। तो बुखार नहीं, खांसी हो रही है, बहुत बुखार तब सही हो गया, खांसी अभी सही नहीं हुई है, इसलिए चावल नहीं बनाऊंगी, फिर रोटी बना रही हूँ। इसलिए मैंने खड़ी भी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनाई हुई है। और अब जिसको खानी है जल्दी जल्दी आ जाओ। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मैं रोटी बनाऊँ, जिसको खाना है जल्दी जल्दी आ जाओ और देखते होता है क्या। आ जाओ जल्दी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता, देखो बाल कैसे, अभी तो बाल सुबह धोए हैं, अभी तक तो बनाने का टाइम ही नहीं मिला है, एक बज चुका है और डेढ़ बज चुके हैं। मैं जल्दी जल्दी बनाऊँ, क्योंकि टाइम ही मिलते, बच्चे इतने शैतान हैं मेरे बराबर, शैतान बच्चे किसी के हैं ही नहीं, इतने शैतान ही है, पिटते रहते हैं मेरे हाथों से। तो ठीक है, अभी मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, मांग भी नहीं बर रखी है, देखो कैसी लग रही हूँ, लग रही कुंवारी है।